हाँ सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के बारे में जो फैसला आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट रिजर्व करके रखा था उसको प्रोनाउंस किया है और सरकार की अपील को एक्सेप्ट किया है और जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको निरस्त कर दिया है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के अगेंस्ट में ये जजमेंट है। जजमेंट की कॉपी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, शाम तक उम्मीद है कि वो हो जाएगी, तो उसको पढ़ के देखना होगा कि किस बिंदु पर कोर्ट हमारे अगेंस्ट गई है। कोर्ट का ये कहना था कि हमारे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट था इस फैसले पे आना, लेकिन इसमें दो पॉसिबल व्यूज थे तो हमने एक व्यू को चुना और वो व्यू सरकार के पक्ष में गया है। कोर्ट ने अपने प्रोनाउंसमेंट के बाद ये बातें कही, तो कहीं ना कहीं अब ये जजमेंट पढ़ के समझ में आएगा कि कहाँ हम सरकार का कौन सा आर्गुमेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कहाँ हमारे आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है। डिटेल कॉपी आने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। आज जो भी नियोजित शिक्षकों में थोड़ी सी मायूसी है उसके लिए नियोजित शिक्षा का अगला रणनीति क्या अपना सकते हैं? देखिए, मायूसी की तो बात है, इतना मैराथन बहस के बाद इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से फैसला आएगा, लेकिन जब हम कोर्ट के सामने होते हैं तो कोर्ट का फैसला ही मान्य होता है। आज के डेट में कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में फैसला दिया है। अब कोर्ट के ऑर्डर को देखने के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। ऐसे तो रिव्यू एंड क्यूरेटिव का ऑप्शन हमेशा रहता है, अगर आपके अगेंस्ट में सरकार कोर्ट फैसला देती है तो वो भी जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही हम लोग कुछ रणनीति बनाने के लिए, मतलब रणनीति बनाना ठीक रहेगा। एक बार जजमेंट की कॉपी आ जाए, देखें उसमें कहाँ क्या है नहीं है। उसके रिव्यू के बाद कितना दिन के बाद हम उम्मीद करेंगे कि फिर से एक न्याय हम लोगों को मिलेगा? देखिए, रिव्यू फाइल करने का 30 दिन का लिमिटेशन होता है, उसके बाद फिर वो कोर्ट में लगती है, उसमें समय उसका कोई निर्धारित नहीं होता है, वो एक महीने में लग जाती है। तो पहले तो अभी जजमेंट की कॉपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें देख के ही समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या लूफॉल्स रहा है जिसको हम रेक्टिफाई करा सकते हैं रिव्यू में, तो उसके लिए इंतज़ार किया जाए। सर, रिव्यू किया जो कोर्ट का आदेश होता है उसका ही, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए रिव्यू फाइल होता है। उसका प्रोसेस क्या होता है? रिव्यू फाइल होता है और रिव्यू चैम्बर में लग जाता है। चैम्बर में जो कोर्ट, जो जजेस इस मैटर्स को सुने थे पहले, जिन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया है, वो लोग ही इस रिव्यू को देखते हैं और उसके डिसाइड करते हैं कि इसमें कुछ ऑर्डर की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है या नहीं। और जज जब रिटायर हो जाते हैं तो जो एक जज रहेंगे और कोई दूसरा जज को साथ में हो जाता है। सर, आपका शुभ नाम? अनिमेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चल रहे, ठीक है, आ रहे हैं, बड़े हैं, आइए, फ्रेश लग रहे हैं।